मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे आज आप सबके लिए एक अद्भुत विषय लेकर के आया हूँ, श्री रामचरितमानस। महाकवि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा प्रणीत, रचित, विरचित श्री रामचरितमानस के अद्भुत रहस्य को लेकर के आया हूँ। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसा आप सभी जानते भी हैं कि यह ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ छुपी हैं, जिनका पाठ करके मनुष्य अपने जीवन के तमाम दुखों से दूर हो सकता है और सुखों की प्राप्ति करता है। मित्रों यह ग्रंथ ऐसा है, यह कलयुग में ही विरचित ग्रंथ, ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसकी हर चौपाई किसी मंत्र से कम नहीं। पूज्य बात गुरुदेव भगवान की यह टीका, इसी टीका से मैं एक ऐसी चौपाई आपको बताने जा रहा हूँ जिसका जप करने मात्र से, जिसको प्रतिदिन 11-21 बार या 108 बार पढ़ने से, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही इसका प्रभाव, इस दिव्य चौपाई का प्रभाव बढ़ता जाएगा। यह जो दिव्य चौपाई है यह आपके जीवन के समस्त क्लेशों को, कष्टों को हर करके समस्त सिद्धियां प्रदान करेगी। यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, यदि आप बार बार फेल हो रहे हैं, यदि आप समस्याएं आ रही हैं आपके सामने, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यह दिव्य चौपाई जो मैं बता रहा हूँ इसका आप रोज़ पाठ करिए, कम से कम 11 बार और हो सके तो 108 बार, और चौपाई धीरे धीरे आपको रट जाएगी। श्री रामचरितमानस की यह दिव्यतम बात है कि जब आप चौपाई पढ़ने लगते हैं तो यह चौपाई रट जाती है। मित्रों तो इस चौपाई को आप दिन में 11 बार अवश्य पढ़ें सुबह स्नान के बाद, ताकि आपके जीवन से निगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। अब यह चौपाई है कौन सी यह मैं आपको बता दूं, और मेरे नीचे जो डिटेल है वीडियो की उसमें भी मैं इस चौपाई को अंकित कर दूंगा। यह चौपाई भगवान शिव जी ने माँ पार्वती जी से श्री रामायण जी के श्री रामचरितमानस श्री राम कथा के महात्म्य के समय ही पूछ लिया था, वह चौपाई आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह चौपाई बालकांड 7 कांड है। पहला ही कांड है बालकांड, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल लीला का वर्णन किया गया है। उसी बालकांड के दोहा क्रमांक 112, श्री रामचरितमानस की एक बात और है बता दूं, जो दोहा ऊपर होता है उसको नहीं लिया जाता है, जो दोहा नीचे होता है ना उस दोहे को लिया जाता है। दोहा कैसे समझ में आएगा, जो भी टीका लेंगे उसमें दो से दोहा होता है, ठीक है। राम कृपा ते पार्वती सपने होता मन माही, शोक मोह संदेह ब्रह्मन मम विचार कछुनाए, यह 112वां दोहा है। इसके ऊपर आते जाइए, एक चौपाई छोड़िए, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं चौपाई, नीचे से छठवीं अर्थात 111 क्रमांक के दोहे के नीचे तीसरी चौपाई जो है, बंदौ बाल रूप स्वई रामू सब सिधि सुलभ जपत जिस नामू। बंदौ बाल रूप अर्थात मैं उन श्री राम चंद्र, उन बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी की वंदना करता हूँ जिनके स्मरण मात्र से ही, जिनके नाम लेने मात्र से ही समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। बंदौ बाल रूप सोई रामू सब सिधि सुलभ जपत जिसु नाम, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। हे श्री राम जी, जो मंगल के घर हैं, मंगल के भवन हैं और अमंगलों को हरने वाले हैं, हे चक्रवर्ती राजा दशरथ के आंगन में विचरण करने वाले श्री रामचंद्र भगवान, हम पर द्रवित होइए, हम साधक पर कृपा करिए। यह जो चौपाई है, बंदौ बाल रूप सोई रामू सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू, अगर इस चौपाई को संपुट लगा करके कार्य कर दिया जाए तो आपके घर में रुके हुए काम हो जाते हैं, अगर पास नहीं हो रहे तो पास हो जाएंगे, पढ़ाई होने लगेगी, मन में शांति आ जाएगी। यह इस चौपाई की दिव्यता है। ऐसी बहुत सारी चौपाइयाँ हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ताकि मैं ऐसी और बहुत सारी जानकारी, श्री रामचरितमानस की महिमा और चौपाइयों का अद्भुत रहस्य आप सब तक पहुंचाता रहूं। आप यह वीडियो दूसरों को शेयर और फॉरवर्ड करने से मत रोकिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।